अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन, कैसे हैं आप। एज यू कैन सी के मेरे इर्द गिर्द से ट्रैफिक पास कर रही है, व्हीकल्स पास कर रहे हैं और ये सीन मैंने जान के क्रिएट किया है। आई वॉन्ट टू वॉक बाय द ट्रैफिक इन ऑर्डर टू मेक अ पॉइंट दैट जस्ट लाइक दीज व्हीकल्स हमारा टाइम भी पास हो रहा है, जिंदगी के लम्हात गुजर रहे हैं जस्ट लाइक दीज कार्स, जस्ट लाइक दीज व्हीकल्स। और टाइम के हवाले से जो सबसे बेहतरीन रिमाइंडर है अल्लाह सुभान व तआला की तरफ से, इनफैक्ट जब भी मेरे पास कोई आता है और कहता है कि कोई एक ऐसी नसीहत करें, कोई एक ऐसी बात करें कि वन टाइम मैं उस नसीहत को लूं और मेरी लाइफ चेंज हो जाए, तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूं कि जितना सूरह असर में डूब सकते हैं डूब जाए, जितना डिटेल्ड उसकी तस्वीर पढ़ सकते हैं पढ़ें। जिसके बारे में इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि सिर्फ अगर इंसानों की हिदायत के लिए यही सूरत नाजिल होती तो शायद ये काफी था। सिर्फ सूरत असर ही अगर नाजिल हो जाती पूरे कुरान में तो शायद यही लोगों की हिदायत के लिए काफी होती। जितना उसको एनालाइज कर सकते हैं करें, एंड दैट इज माई वन एडवाइस जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। सो ये जो सूरह असर है ना कि वल अस इन्नल इंसाना लफी खुसर, और फिर अल्लाह ने वो चार चीजें बताई कि जो ये चार चीजें करेंगे वो खसारे में नहीं होंगे। तो ये जो अल असर है ना, इसका इसके हवाले से मुझे इमाम शाफी का एक कोट याद आ गया। ही सेड के ये अल असर का मतलब मुझे एक बर्फ वाले ने समझाया। बड़ी हैरान कन बात है कि बर्फ वाले ने कैसे समझाया। ही सेड के आई वॉज इन अ मार्केट और वहां पे एक बर्फ वाला था और वो बर्फ वाला सदा लगा रहा था कि है कोई जो मेरी बर्फ बाय करेगा, परचेज करेगा इससे पहले कि ये बर्फ मेल्ट कर जाए। कितनी खूबसूरत बात है और कितनी खूबसूरत मिसाल है कि हमारी लाइफ जस्ट लाइक दैट आइस मेल्ट कर रही है, वॉश अवे हो रही है, हमारे लम्हात गुजर रहे हैं उस बर्फ के मेल्ट होने की तरह। तो अल्लाह ताला हमें ये नसीहत दे रहे हैं कि है कोई जो इस मिसाल से वल असर यानी जमाने की कसम है कि इंसान खसारे में टाइम गुजर रहा है, कोई जो इससे नसीहत पकड़ेगा। सो माय एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, प्लीज सूरह असर को बहुत तवज्जो के साथ पढ़ें, जितना इसमें डूब सकते हैं डूबें, इट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर ऑल ऑफ यू। जज़ाकअल्लाह खैर फॉर लिसनिंग, सी यू इन द नेक्स्ट रिमाइंडर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।